मैं यहाँ नॉर्थ कराची में मौजूद हूँ और मेरे बैक साइड पर 11 आई है, तो मैं अपनी राइड का आगाज़ यहाँ से करूँगा। तो चलते हैं और राइड का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए डॉट ट्रेवल। मेरा नाम आसिफ अहमद और मैं अभी घर से निकल चुका हूं और आज संडे का दिन है और इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। रमज़ान शुरू हो चुका है और आज 5 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे चैनल पर काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हुई, तो आज मैंने अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो मैं आज अपने चैनल पर तकरीबन 2 वीक के बाद वीडियो अपलोड की है। आज संडे का दिन था तो रमज़ान में टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने टाइम निकाल कर एक मोटो व्लॉग बनाया है। इसके अलावा मैं अपने चैनल का नाम आप लोगों को बताऊंगा। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, ज़ाहिर है उनको मेरे चैनल का नाम ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बताऊंगा कि मेरे चैनल का नाम ए डॉट ट्रेवल है और मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये मेरी जो है 11वीं वीडियो है। और जो मेरी पहली 3 से 4 वीडियो थी उसमें कोई ख़ास परफॉर्म मैंने नहीं किया था। पहली मेरी 3 वीडियो थी उसमें वॉइस क्वालिटी का मसला था। मेरे अक्सर फ्रेंड्स वगैरह मुझे ये कहते थे कि यार तुम्हारी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, तो फिर मैंने एक माइक परचेज़ किया तो उसके बाद जो है वॉइस क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो गई। अगर वॉइस क्वालिटी बेहतर ना हो तो लोग वीडियो पर नहीं रुकते। लेकिन इसके बाद जो मेरी लास्ट 5 वीडियो है उसमें वॉइस क्वालिटी और कंटेंट को बेहतर किया, जिसकी वजह से अब मेरे चैनल पर काफ़ी व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं और अब मेरा चैनल आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होना शुरू हो गया है। अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो सब्सक्राइबर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये कुछ रिव्यू था जो मेरे चैनल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। बेसिकली ये चैनल मैंने व्लॉगिंग और ट्रैवलिंग के लिए बनाया है। अब तक मैंने छोटी मोटी राइड की है, लेकिन अब तक मैंने कोई बड़ा बाइक टूर
नहीं किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आउट ऑफ सिटी का टूर होगा। हो सकता है कि मैं ईद पर आउट ऑफ सिटी का व्लॉग बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, ये चेस्ट हार्डनेस बेल्ट मैंने अपने मोबाइल को होल्ड किया हुआ है चेस्ट हार्डनेस बेल्ट के ऊपर, और ये जो चेस्ट हार्डनेस बेल्ट है इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। इसका जो फ्रंट का व्यू है वो कैसा है ये भी बताइएगा कमेंट्स में। और ये जो चेस्ट हार्डनेस बेल्ट वाली जो वीडियो है इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाइक को राइड करते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा किसी अच्छी सी जगह पे, देख के गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी अफ्तारी के बाद मैंने खाना तो नहीं खाया, खाना मैं लेट खाता हूँ, तो अभी फ़िलहाल मैं आइसक्रीम खाऊंगा किसी अच्छी सी जगह पे देख के। यहाँ पर कोई मुझे रेस्टोरेंट नज़र नहीं आ रहा, अच्छा सा कोई पॉइंट अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो आगे चल के देखते हैं वहाँ पर कोई अच्छा पॉइंट होगा तो वहाँ बैठ कर मैं आइसक्रीम खाऊँगा। यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट मैंने देखा है मेरे राइट साइड पे, आप देख सकते हैं अंबानी के ऑटो के नाम से। तकरीबन 24 फ्लेवर है और ये इनकी काफ़ी ब्रांचेस भी है। यहाँ का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, अभी मैं खाऊँगा और देखूँगा कि इसका टेस्ट कैसा है। मैं यहाँ पर जो है बाहर बैठा हूँ COVID-19 की वजह से, अंदर जो है इजाज़त नहीं है बैठने की, तो मैं इस वजह से यहाँ बाहर आ चुका हूँ। Thank you.
वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आज का ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा और ये जो संडे राइड है वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसमें मैंने अपने चैनल के बारे में भी आप लोगों को बताया और इसके अलावा जो है आइंदा आने वाले ब्लॉग के बारे में भी बताया और कुछ यामा भाई भी आज के मुकाबले भी मैंने आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर थंब लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।